हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. इट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव स्टडीड अर्लियर. सो दिस इन दिस वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्निन वायर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वाई वी यूज कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्निन, बिकॉज दे हैव वेरी लो टेम्परेचर डिपेंडेंस. सो कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज, दीज एंगल्स टाइप, दिस शेप्स आर नोन एज स्ट्रिप्स. So these are made of coppers. There are a gap between the copper strips to adjust the resistance R and to adjust the unknown resistance S, right? So in this meter bridge, what is it? We have the wooden scale on this. A और C हमारे जो हैं copper strips हैं, उसके ऊपर हमने एक कॉन्स्टेंट और मैग्निन की वायर को पिक किया, लगाया हुआ है, राइट. तो यहाँ पे दो गैप्स में हमने दो रेजिस्टेंस लगाई हुई है. एक हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है R और एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने फाइंड आउट करना है S. तो यहाँ पे एक वुडन स्केल है. अब यहाँ पे क्या है, हमने एक यहाँ से पॉइंट से कॉपर पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन किया हुआ है. अब ये जो मेरी जो वायर है वो मेरी एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी कि मेरे इस पूरी वायर के ऊपर भी रेजिस्टेंस है. तो क्योंकि ये मेरी ए बी सी, तो फॉर एग्जांपल बी मेरा पॉइंट है, तो ए बी से लेके मेरे पास एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, बी सी से लेके मेरे पास दूसरी रेजिस्टेंस बन जाएगी. अब होगा क्या कि यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर, ये जोकी है जस्ट लाइक ए पेन, उसको हम स्लाइड करते हैं मीटर स्केल के ऊपर. तो मैं इसको ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट की तरफ स्लाइड कर रही हूँ स्लो स्लो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्टिकुलर बी पॉइंट पे मेरा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इट शोज जीरो डिफ्लेक्शन. डैट मीन्स वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे उसने डिफ्लेक्शन जीरो शो कर दी, वहाँ पे मेरा ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुके हैं. उस लेंथ को हम नोट कर लेंगे कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना दूर है. तो ये कंप्लीट जो हम वायर लेते हैं वो 100 सेंटीमीटर्स के लेते हैं. तो अगर ए से बी मेरी फॉर एग्जाम्पल एल जो है मीटर आई है, सेंटीमीटर आई है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी मेरी एल सेंटीमीटर है तो बी सी मेरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल, क्योंकि मेरी कंप्लीट क्या है, 100 सेंटीमीटर है. तो डैट मीन्स ए बी जितनी मेरी लेंथ है उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होएगी, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, बी सी भी मेरी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी. तो यहाँ पे पी और क्यू क्या बनेगी, मेरी ये रेशियो आर्म्स बनेंगी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ द वायर. आर मेरी नॉन रेजिस्टेंस है और एस जो है रेजिस्टेंस मैंने अननोन फाइंड करनी है. सेम मेरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस. अब मेरी फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो शो हुई है, तो ए बी की लेंथ मेरी एल होगी और बी सी की लेंथ मेरी होगी 100 माइनस एल. तो क्योंकि उसकी अपनी भी कोई रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर लेंथ, तो मेरी एल की कितनी होगी, अगर पर सेंटीमीटर की स्मॉल आर है तो L लेंथ की कितनी होगी, L इंटू आर, और 100 माइनस L इंटू आर होगी मेरी Q होगी. ये वैल्यूज जब मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन में डाली है तो मेरे पास वैल्यू आ गई है S की, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेंथ जो है ये 40 सेंटीमीटर पे में ये मेरी जाके डिफ्लेक्शन जीरो शो कर देता है. तो डैट मीन्स मेरी ये क्या बन गई, 40/60 इज इक्वल टू आर अपॉन एस. तो यहां से मैं एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ. नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज द नेम पोटेंशियल, सो इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. यस, वी ऑल्सो यूज द वोल्ट मीटर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड voltmeter. You will going to study in this lecture. It is also used to compare the EMF of the two cells. If you want to compare two cells that how much EMF is having the one as compared to another, so you can use a potentiometer. Next, it is used for measuring the internal resistance of the cell also. कि जो cell है उसकी internal resistance कितनी है. Now, what is the principle of the potentiometer? प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का क्या है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, जितने भी पोर्शन ऑफ वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है वो उतना ही होगा जितनी हमारी वायर होगी, राइट. जितनी हमारी वायर है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जितनी वायर बढ़ती जाएगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप
बढ़ता जाएगा. डैट मीन्स फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, कितना लेंथ पोर्शन का वायर का है. क्या हमें कंडीशन चाहिए कि जो वायर है उसका यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए और उसमें से एक कांस्टेंट करंट पास करता होना चाहिए, राइट. तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है. यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ना लगा के रियोस्टेट लगाया है. रियोस्टेट मींस हम उसकी जो वोल्टेज रेजिस्टेंस है उसको वेरी कर सकते हैं कि लाइक हमने कितना करंट इस सर्किट को देना है. यहाँ एमीटर लगाया है, अगर हमारा करंट ज़्यादा होता है तो हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने रियोस्टेट लगाया है. तो यहाँ से कुछ करंट हमारा जा रहा है, ये ड्राइविंग सेल है तो ये से हमारे पास जा रहा है. अब ये जो ये आपके पास है ये आपकी जस्ट एक लेंथ को इंक्रीज करने का वे है. दैट जो आपने मीटर स्केल में किया वो 0 to 100 था. अब ये 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, तो नेट आपके पास जो है 400 सेंटीमीटर तक की लेंथ है. तो यहाँ पे आपके पास वुडन स्केल लगा हुआ है, तो सेम ये यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स हैं और वायर जो आप यूज़ कर रहे हो कॉन्स्टेंट मैग्नेट की कर रहे हो. अगेन आप यहाँ पे जो कि यूज़ कर रहे हो और उसके साथ आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है वैल्यू मेजर करने के लिए. अब ए और बी जो है वो आपके स्क्रूज हैं, बाइंडिंग स्क्रूज जिसके ऊपर आप वायर को लगा सकते हो, राइट. अब वी आपके पास ओम्स लॉ से क्या है, आई इंटू आर. अगेन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो ये वैल्यू जब मैंने पुट की यहाँ पे वी इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए. अब हमने बोला कि कॉन्स्टेंट एरिया होना चाहिए और करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए. रेजिस्टिविटी तो वायर की पहले से ही कांस्टेंट होती है. तो डैट मीन्स दीज थ्री टर्म्स आई रो अपॉन ए ऑल आर कांस्टेंट. इट इज़ डिनोटेड बाय द के. के इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो वी इज इक्वल टू के एल. डैट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना आपका लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर होगा. सो डैट मीन्स वी अपॉन एल इज इक्वल टू के. दिस टर्म इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसका मतलब क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कितनी आपकी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है पर यूनिट लेंथ. नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियो मीटर विच वी हैव नोटेड अर्लियर, डैट हाउ इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इट इज़ यूज टू कंपेयर द ई एम एफ ऑफ द टू सेल्स एंड हाउ इट इज़ यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर. वाई वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर नॉट वोल्ट मीटर, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर. वाई इट इज एक्यूरेट, बिकॉज वेन वी यूज पोटेंशियोमीटर इट डजेंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट. जब हम एक किसी सर्किट में वोल्ट मीटर को लगा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ सर्किट में से करंट ड्रॉ कर लेता है. डैट मीन्स हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है. तो पोटेंशियोमीटर के केस में ऐसा नहीं होता है कि जो आपका करंट होता है वो सर्किट में से ड्रॉ नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की ज़्यादा होती है और वोल्ट मीटर की कम होती है. सेंसिटिविटी मतलब आप कितना माइन्यूटली उसको मेजर कर सकते हो. ये आपका जो होता है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे आता है. अब क्योंकि नल डिफ्लेक्शन मतलब बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो वो मेज़र करेगा, और ये आपका डिफ्लेक्शन मेथड पे आता है. अब डिफ्लेक्शन मेथड मीन्स थोड़ा सा कितनी डिफ्लेक्शन आ गई आप मेज़र करोगे. नल मीन्स आपकी जो वो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. पोटेंशियोमीटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज फॉर कंपेयरिंग ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो, बट वोल्ट मीटर इज यूज ओनली फॉर मेजरिंग वोल्टेजेस. दिस इज द डिफरेंस वाई वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर नॉट द वोल्ट मीटर. थैंक यू.